Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to start a new chapter, that is the triangles and its properties. And in this chapter we will discuss the different properties of triangles, but in this first video we will discuss about triangles and classification of triangles, or we can say different types of triangles, then its medians and altitudes. These all things we will cover in this video. So let's start. इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बाद मेडियंस एंड अल्टीट्यूड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो ट्रायंगल्स की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा एंड बहुत पहले से आप ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं. सो ट्रायंगल्स आर द सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स और एनक्लोज बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स. ये ऐसे क्लोज फिगर हैं जो कि एनक्लोज हुए होते हैं थ्री लाइन सेगमेंट से. और पॉलीगन के हिसाब से डिफाइन करेंगे तो इट इज़ ए पॉलीगन्स विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स. ये एक ऐसा पॉलीगन है जो कि सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स से बना हुआ है. सो सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स पॉसिबल जो है वो थ्री ही हैं. तीन से कम नंबर ऑफ साइड्स आप पॉलीगन नहीं बना सकते. सो इस तरह से आप इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एंड यहाँ पे ट्रायंगल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप डिफरेंट पार्ट्स को भी आप आसानी से पहचान जाएंगे कि भाई ट्रायंगल पे कितने साइड्स होते हैं. ट्रायंगल पे थ्री साइड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जिसको मार्किंग किए हैं ए वी. सो ए वी उसका एक साइड है एंड दूसरा है बी सी, अभी जिसको मार्किंग किए हैं बी सी. एंड नेक्स्ट है आपका ए सी. सो ए वी बी सी एंड ए सी ये थ्री साइड्स हैं ट्रायंगल्स के. एंड और थ्री वर्टिसेस को भी आप दिखा सकते हैं कि ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी जो आप अभी देख रहे हैं. दीज आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स. एंड एंगल्स भी आप आसानी से दिखा सकते हैं, अभी जिसको मार्किंग किए हैं उस एंगल का नाम होगा सिर्फ एंगल ए, इस तरह से आप दिखा सकते हैं. अदरवाइज आप अगर थ्री लेटर्स यूज कर रहे हैं तो इस तरह से इसको दिखाएंगे कि भाई ये बी ए सी है, एंगल बी ए सी एंड इन रिवर्स सी ए बी, दोनों सेम ही है. ओके, सी ए बी सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ठीक उसी तरह से यहाँ पे जिसको अभी मार्किंग किया जिस एंगल को उसका नाम होगा एंगल ए बी सी. एंड रिवर्स की तरफ से जाएंगे तो एंगल सी बी है, सेम एंगल बी जो है यहाँ पे, या फिर सिंपली आप इसको बी भी बोल सकते हैं क्योंकि बी पे और कोई एंगल बना नहीं है. तो इस हिसाब से आप तीनों तरीके से जिस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एंगल वन ये होगा एंगल टू एंड ये होगा एंगल थ्री. इस हिसाब से यहाँ पे थ्री एंगल्स हैं. तो देखिए एक चीज़ ट्रायंगल पे आपको याद रखना है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स, ओके, तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स, इन तीन तीन चीज़ों को मतलब टोटल हो गए सिक्स. ओके, इसको बोला जाता है सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल्स. इसको बोला जाता है सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल. जब भी आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, देन यू विल नेम दैट द थ्री साइड्स एंड द थ्री एंगल्स आर कॉल्ड सिक्स एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल. तीन साइड्स एंड तीन एंगल्स को एक ही साथ बोला जाता है सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल. एंड एक ट्रायंगल पे कितने साइड्स होते हैं तो आसानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं. अगर वर्टिसेस पूछा जाए तो थ्री वर्टिसेस होते हैं, आसानी से आप इसको बोल सकते हैं. एंड नाउ देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स. हाउ कैन वी क्लासीफाई ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स की है आपके साइड्स एंड दूसरा हम मेजरेबल यूनिट्स अभी जो ले सकते हैं वो है उसका एंगल. सो साइड के हिसाब से उसको क्लासीफाई की जा सकती है एंड एंगल के हिसाब से भी उसको क्लासीफाई की जा सकती है. चलिए यहाँ पे एक नोट्स कलेक्शन की गई है बायजू से साइड से. सो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सुंदर तरीके से इसको रिप्रेजेंट की गई है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड. साइड के बेसिस से ट्रायंगल्स होते हैं थ्री टाइप्स के. एंड वो हो गया आपका स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल ऐसा एक ट्रायंगल है जिसकी कि जो साइड्स होते हैं सब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के होते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं. ओके, कोई किसी के साथ सेम नहीं होता, सब डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं. एंड आइसोस्केल ट्रायंगल्स में क्या होता है? इसमें यह होता है ना कि एक ट्रायंगल पे किसी भी दो साइड्स की लेंथ बराबर होगी एंड जो तीसरा साइड होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे सभी उसकी सभी साइड, कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल जिसका कि सभी साइड बराबर होगा, सभी की लेंथ सेम होगी, तभी जाके हम बोलते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा. ये है आपका स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कि हर एक साइड डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होती है. एंड इस पर और एक खास प्रॉपर्टी होती है कि क्योंकि हर एक साइड डिफरेंट लेंथ के होते हैं इसलिए हर एक एंगल भी डिफरेंट होगा. सो इसको भी आपको याद रखना है कि इसका कोई भी एंगल किसी के साथ भी सेम नहीं होता क्योंकि साइड डिफरेंट तो एंगल भी डिफरेंट होगा. ओके, एंड साइड एंड एंगल के बीच की रिलेशन भी हम हायर क्लास में पढ़ेंगे. आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है ना, आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइड्स बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं. एंड ये दो साइड जब सेम होते हैं उनके बिल्कुल फ्रंट में रहने वाले या फिर हम बोल सकते हैं उसकी ऑपोजिट में रहने वाले एंगल्स भी
बिल्कुल सेम होंगे। ओके चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर है एंड ये आपका 5 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे BC एंड AB सेम है। सो BC के ऑपोजिट में रहने वाले एंगल्स एंड AB के ऑपोजिट में रहने वाले एंगल्स, ये दोनों बिल्कुल सेम मेजर के होंगे, ये दोनों बिल्कुल सेम मेजर पे होंगे। अगर ये x होता है तो ये भी x होगा, ठीक है। सो इस हिसाब से यहाँ पे ISOCEL ट्रायंगल पे आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्या होता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक सभी साइड्स बिल्कुल इक्वल लेंथ के होते हैं एंड यहाँ पे सभी एंगल्स भी इक्वल मेजर के होते हैं। आपको याद रखना है कि भाई सभी एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्री होता है, जो आगे हम प्रूव भी करेंगे। एंड एक 180 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से हर एक एंगल का आएगा 60 डिग्री। सो ये वाला एंगल 60 डिग्री के भी होते हैं, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का है। सो साइड के हिसाब से तो अभी हम डिस्कस कर लिए कि भाई साइड के हिसाब से ट्रायंगल तीन टाइप्स के होते हैं, स्केलिन, एसोस्केल, इक्विलेटरल। स्केलिन पे होगा 3 डिफरेंट साइड, ओके 3 डिफरेंट लेंथ के साइड्स। एसोस्केल पे टू साइड्स बिल्कुल इक्वल लेंथ के होंगे एंड इक्विलेटरल पे सभी साइड, ऑल साइड इक्वल लेंथ के होंगे। सो ये उसके बेसिक चीज़ें हैं इन ट्रायंगल्स के रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के हिसाब से किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि आप एंगल्स को क्लासिफाई करते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रायंगल्स को भी क्लासिफाई की गई है विथ एंगल्स। एक्यूट एंगल, अगर सभी एक्यूट एंगल्स होंगे एक ट्रायंगल्स में तभी उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल पे अगर एक राइट एंगल है तभी जाके उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल पे अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल है तभी जाके हम बोलेंगे उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे तीनों का तीनों एक्यूट एंगल होगा, लेकिन राइट एंगल पे सिर्फ एक ही राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल पे सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे क्या होगा ना, सभी एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल्स मींस जो एंगल्स की मेजरमेंट 90 डिग्री से स्मलर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ट्रायंगल्स है ये सभी एंगल्स आपके एक्यूट एंगल्स होंगे, सभी की मेजरमेंट 90 डिग्री से स्मलर होंगे। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल्स पे क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल्स पे आपका एक एंगल राइट एंगल होता है, आपका एक एंगल राइट एंगल्स होता है, बाकी के दो एंगल्स जो होंगे बाकी के दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स के सम 180 डिग्री आता है, इसलिए सिर्फ मैक्सिमम 1 एंगल्स राइट एंगल हो सकता है, दो एंगल्स नहीं हो सकते कभी। एंड नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये वाला थोड़ा इरेज हो गया है। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पे क्या होता है ना, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है एंड बाकी दो एंगल्स आपके यहाँ पे भी एक्यूट एंगल आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्ट्यूस एंगल है। सो इसी के हिसाब से यहाँ पे इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। सो ये सारे चीज आप पहले से पढ़ चुके थे, तो हाँ ये वाला फिगर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एंड ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हैज़ एनी ऑफ इट्स एंगल मोर देन 90 डिग्री, किसी एक की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी एंड 90 डिग्री से ज़्यादा होगा बट ये 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में अभी आपको पता लग गया कि एंगल के हिसाब से हम ट्रायंगल को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल्स पे तीनों के तीनों एक्यूट एंगल्स मिलेंगे, राइट एंगल पे एक राइट एंगल मिलेगा, दो एक्यूट एंगल मिलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल पे एक ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, दो एक्यूट एंगल्स मिलेंगे। एक्यूट एंगल्स हर एक ट्रायंगल में अवेलेबल है, लेकिन एक्यूट एंगल्स अगर सभी एक्यूट एंगल्स हैं तभी उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक राइट एंगल है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल्स, अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सो ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप नेक्स्ट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। In this sections we will know what is median and how many medians of a triangles are possible, and after that we will discuss also about altitudes. Let's first discuss about median. Median क्या होता है पहले जान लेते हैं।
कि एक ट्रायंगल पे कोई भी भट्टीसार्स चूज कीजिए एंड उसकी ऑपोजिट साइड ले लीजिए। सपोज यहाँ पे भट्टीसार्स ए को हम चूज किए हैं एंड उसकी ऑपोजिट साइड बी सी है। सो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट आपको चाहिए होगा। मिड पॉइंट मतलब ऐसा एक पॉइंट जो कि इस लाइन सेगमेंट को दो या फिर इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड करता होगा, उसको मिड पॉइंट बोलेंगे। सो वो मिड पॉइंट हो गया सपोज डी। सो एक भट्टीसार्स से उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसे बोलते हैं हम मेडियन। सो इसी हिसाब से और कितने मेडियंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी ट्रिक्स को अप्लाई करके आप बी से ड्रॉ कर सकते हैं एसी के ऊपर। एंड यहाँ पे एसी की अगर मिड पॉइंट्स हम निकालते हैं ई, सो ये बी की तरफ से कनेक्ट होगा। एंड ठीक उसी तरह से ए बी की मिड पॉइंट अगर हम निकालते हैं सपोज एफ लिखते हैं इसको, सो सी की तरफ से ये कनेक्ट होगा। सो इस तरह से एक ट्रायंगल्स पे आपको तीन मेडियंस मिल जाएंगे। एंड मेडियंस के बारे में तो डिस्कस कर लिए कि भाई मेडियंस क्या होता है। मेडियंस होते हैं किसी भट्टीसार्स के भट्टीसार्स से उसकी ऑपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट। ओके, सो इसके डेफिनेशंस यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको लिखी गई है एंड दिखाएंगे उसको भी। लेकिन आपको याद रखना है कि मेडियन जो है वो दूसरे साइड्स की एक किसी भट्टीसार्स से उसकी ऑपोजिट साइड की बिल्कुल मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है, इसलिए ये वाला बिल्कुल इक्वल पार्ट्स होंगे। सपोज ये 10 सेंटीमीटर का होगा ना, तो ये वाला भी 10 सेंटीमीटर का होगा। एंड और एक खास बात है मेडियंस के ऊपर, वो खास बात क्या है कि मेडियंस जो होते हैं एक ट्रायंगल्स में तो तीन होते हैं। आप देख लिए डायग्राम से, किसी भी टाइप्स का ट्रायंगल्स हो मेडियंस हमेशा अंदर ही रहेंगे, मेडियंस हमेशा अंदर से रहेंगे। एंड अभी आप जो देख सकते हैं, देख रहे हैं ये वाला, अभी तीनों के तीनों मेडियंस ड्रॉ करने के बाद कितने ट्रायंगल्स मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हर एक ट्रायंगल की एरिया सेम होती है, हर एक ट्रायंगल की एरिया सेम होती है। अगर आप सिर्फ एक मेडियन ड्रॉ करेंगे तो आपको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। यहाँ पे भी दोनों का एरिया सेम होगा, मतलब ट्रायंगल वन जो होगा ए बी डी एंड ट्रायंगल टू जो है ए डी सी, इन दोनों का एरिया सेम होगा। ट्रायंगल्स की एरिया हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के एरिया किस तरह से निकलते हैं हम मेंशुरेशंस पे पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि भाई मेडियंस जो होता है ना, ट्रायंगल जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा मेडियंस के जरिए वो इक्वल्स एरिया के होते हैं। सो ये काफ़ी चीज़ थी मेडियंस के रिगार्डिंग। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम जो है इस मेडियन के रिलेटेड वो है कि भाई जो मेडियंस होते हैं वो सभी एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे उस पॉइंट का नाम अगर हम ओ रखते हैं, सो इस ओ पॉइंट का एक स्पेसिफिक नेम है। ओके, मेडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट का नाम अगर हम यहाँ पे ओ रखते हैं, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड, उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। सो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग डिटेल्स लिखी गई है। देख लीजिए कि मेडियंस के रिलेटेड कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड ये तो ऑपोजिट साइड्स को तो टू इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो तो आपको पता है। जैसे कि यहाँ इस वाले को पहले ए ई को देखेंगे तो ये वाला डिवाइड हुआ है, सी डी को देखेंगे तो ये वाला डिवाइड हुआ है, एंड यहाँ पे सी एफ को देखेंगे तो ये वाला भी डिवाइड हुआ है, ये तो आपको पता है। एंड सारे के सारे चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और एक बार, एवरी ट्रायंगल हैज थ्री मेडियंस पॉसिबल है एंड वन फ्रॉम एच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स से एक ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, ए वर्टेक्स से ए ई ड्रॉ की गई है, सी से सी डी ड्रॉ की गई है, बी से बी एफ ड्रॉ की गई है। सो एक ट्रायंगल पे टोटल कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। सो हर एक वर्टेक्स से एक एक ड्रॉ की जाएगी एंड टोटल हो जाएगा 3 मेडियंस। नेक्स्ट, द 3 मेडियंस ऑलवेज मीट एट ए पॉइंट एंड नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल किसी भी तरह का हो, आपका जो मेडियंस है वो मेडियंस इस तरह से मीट करेंगे एंड ये सारे अंदर ही रहते हैं हमेशा। द पॉइंट्स वेयर थ्री मेडियंस मीट कल द सेंट्रॉइड, ये आपको याद रखना है कि भाई जहाँ पे मेडियंस मीट करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसे बोला जाता है सेंट्रॉइड। एज मेडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू स्मॉलर ट्रायंगल व्हिच हैव इक्वल एरिया। ओके, जब आप एक मेडियन ड्रॉ कर रहे थे जैसे कि यहाँ पे, सो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा था तो दोनों का एरिया सेम होगा। एंड आप सभी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेंगे, सभी मेडियन ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास टोटल आपके पास 6 ट्रायंगल्स होंगे एंड हर एक का एरिया सेम होगा। एक मेडियन ड्रॉ करेंगे तो 2 ट्रायंगल्स होंगे, दोनों का एरिया सेम। 3 मेडियन ड्रॉ करेंगे तो 6 ट्रायंगल्स होंगे एंड जो भी 6 ट्रायंगल्स होंगे 6 का एरिया सेम हो जाएगा। सो ये है कुछ फैक्ट्स या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेडियंस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेडियंस को आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आल्टीट्यूड्स के बारे में।
altitudes of a triangle, जैसे कि आप medians के definitions पढ़ें, यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं कि भाई altitudes किसे बोला जाता है, and उसके बाद altitudes के बारे में और discuss करेंगे. And altitude of a triangle is a line segment that starts from the vertex and meets the opposite side at right angles. So यहाँ पे आप किसी भी vertex से start कीजिए, suppose A vertex से start करते हैं एक line segment जो कि opposite side को right angle पे meet करता है, तभी इसको altitudes बोला जाता है. जैसे कि यहाँ पे A एक altitude हो सकता है. So इसी तरह से और right angles draw की जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे C से start करके उसके opposite side से आप AB के ऊपर draw करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से आपको CD एक ऐसा एक line मिलेगा जो कि right angle पे इस तरह से यहाँ पे stand करेगा. So CD आपका एक altitudes हो गया. ठीक उसी तरह से वर्टेक्स बी से एसी के ऊपर हम कोशिश करेंगे, तो एक राइट एंगल हम इस तरह से बना सकते हैं. एंड बीएफ यहाँ पे बीएफ आपका एक राइट एंगल क्रिएट कर रहा है, तो बीएफ आपका एक यहाँ पे आल्टीट्यूड्स हो जाएगा. सो यहाँ पे भी आपके थ्री आल्टीट्यूड्स पॉसिबल्स हैं. एंड इन सिंपल वे ये जो आल्टीट्यूड्स हैं ना, ये ट्राइंगल्स की हाइट को दर्शाते हैं. जैसे कि आप सपोज सी बी के ऊपर ट्रायंगल को स्टैंड करते हैं, सी डी को बेस बना के, सो आपका अल्टीट्यूड्स ए जो है ना, ये ट्रायंगल्स का हाइट को इंडिकेट करेगा. एंड ठीक उसी तरह से ए बी को बेस बना के अगर इसको आप स्टैंड करते हैं, सो सी की तरफ से जब आप हाइट मेजर करेंगे, तो ट्रायंगल का हाइट सी डी के हिसाब से मेजर होगा. एंड अगर ए सी को अगर हम बेस रख के अगर ट्रायंगल को स्टैंड कराते हैं, तो बी एफ आपका जो अल्टीट्यूड्स होगा ना, बी एफ उसकी हाइट को इंडिकेट करेगा. सो अल्टीट्यूड्स जो इन जनरल वे हम बोल सकते हैं, अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल्स दैट इंडिकेट इट्स हाइट, ये हाइट को ही इंडिकेट करता है. एंड लाइन सेगमेंट के हिसाब से आप अगर देखेंगे, सो वर्टिसेस ए से उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर एक आपको राइट एंगल और प्रॉपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. एंड ठीक उसी तरह से सी से उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगा, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. एंड बी से भी उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये सब अल्टीट्यूड्स आपको मिल जाएंगे. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, देखिए एवरी ट्रायंगल हैज थ्री अल्टीट्यूड्स एंड हर एक वर्टेक्स से एक एक ड्रॉ की जाएगी. जैसे कि पिक्चर पे आप देखे थे, तो जैसे कि तीन मेडियंस होते थे, यहाँ पे तीन अल्टीट्यूड्स होंगे. एंड द अल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू इच अपोजिट साइड. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब देखिए, ये वाला आपका अल्टीट्यूड जो है राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलरली यहाँ पे है. सो अगर ऐसे आप थोड़ा अलग एंगल से ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला जो साइट होगा या फिर ये वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ए से लार्जर होगा. सो किसी भी वर्टेक्स से उसी की साइड की और अगर हम मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ना, वही उसका अल्टीट्यूड्स होगा. एंड बाकी का डिस्टेंस इस तरह से, बाकी का डिस्टेंस अगर डिफरेंट एंगल पे मेजर करेंगे, तो बाकी का डिस्टेंस उससे ज़्यादा हो जाएंगे. एंड द थ्री अल्टीट्यूड्स ऑलवेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल का शेप कुछ भी हो, जो थ्री अल्टीट्यूड्स हैं आप उसको एक्सटेंड करके इस तरह से मिला सकते हैं. लेकिन कुछ ट्रायंगल्स पे ये अंदर रहता है, कुछ ट्रायंगल्स पे ये बाहर रहता है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ पे इस लाइन को और एक बार देखते हैं कि द थ्री अल्टीट्यूड्स मीट एट ए पॉइंट नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ द ट्रायंगल. लेकिन आपको इजीली ये देखने को नहीं मिलेगा, इसको आपको ठीक से एक्सटेंड करेंगे, बैकवर्ड भी एक्सटेंड करना पड़ सकता है, तभी जाके ये आपको मिल सकता है. सो उस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, जहाँ पे मीट करेंगे उस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर. जैसे कि मेडियन पे आप बोल रहे थे उसको सेंट्रोइड, यहाँ पे इसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर. इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए. ओके, इसे बोला जाता है ऑर्थो सेंटर. अल्टीट्यूड्स मीट जहाँ पे करते हैं उसे ऑर्थो सेंटर, एंड मेडियन जहाँ पे मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड. द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल. इस चीज़ को अभी हम ध्यान से समझेंगे कि भाई अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, एंड ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है, ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है. और एक चीज़ यहाँ पे जोड़ देना कि भाई ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है. सो चलिए देखते हैं किस ट्रायंगल पे पॉसिबल है कि अल्टीट्यूड्स आपके अंदर रहेगा, किस ट्रायंगल पे पॉसिबल है कि ऊपर रहेगा, एंड किस ट्रायंगल पे पॉसिबल है कि वो बाहर रहेगा. तो सबसे पहले आप एक्यूट एंगल्स के बारे में देख लीजिए. एक्यूट एंगल दूसरा कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए, सपोज ये वाला. यहाँ पे ए बी सी एक्यूट एंगल पे क्या होता है ना, ए की तरफ से आप ड्रॉ करें अल्टीट्यूड्स बिल्कुल अंदर होगा, बी की तरफ से करेंगे वो भी अंदर होगा, सी की तरफ से करेंगे तो भी अंदर होगा. एक चीज़ नोट कीजिए अभी कि इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स ऑल द अल्टीट्यूड्स लाई इनसाइड द ट्रायंगल्स. ओके, ऑल द अल्टीट्यूड्स लाई इनसाइड द ट्रायंगल्स इन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल पे सभी अल्टीट्यूड्स जो हैं सभी आपके ट्रायंगल्स के अंदर ही होंगे, इंटीरियर पे होंगे. नेक्स्ट देखिए राइट एंगल ट्रायंगल.
अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी रफली ड्रा की जा रही है ये सब, ओके। एंड जैसे कि आपको पता है कि वर्टिसेस ए से उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, लेकिन भाई परपेंडिकुलर तो इस पे पहले से है। सो ए बी जो है ना, ये साइड यहाँ पे ए बी ट्रायंगल के लिए साइड भी है एंड उसी का अल्टीट्यूड्स भी यही हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बी सी साइड देखिए, यहाँ पे राइट एंगल क्रिएट हुआ है। सो बी सी साइड यहाँ पे ट्रायंगल की साइड भी है एंड अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे तो उसी साइड के ऊपर ही होगा। सो यहाँ पे ट्रायंगल्स के ऊपर दो अल्टीट्यूड्स हो रहे हैं एंड बी से ड्रॉ करेंगे अल्टीट्यूड्स तो यहाँ पे एक अल्टीट्यूड्स मिल सकता है। सपोज इसको हम रखते हैं बी ई, सो बी यहाँ पे एक अल्टीट्यूड्स हो सकता है। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो तीनों अल्टीट्यूड्स आप देख रहे हैं, तीनों में से दो अल्टीट्यूड्स बिल्कुल ट्रायंगल के ऊपर हैं। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल टू अल्टीट्यूड्स रिमेन ऑन द ट्रायंगल, दो अल्टीट्यूड्स बिल्कुल ट्रायंगल के ऊपर होंगे क्योंकि उसका जो दो साइड्स हैं जो कि राइट एंगल से कनेक्टेड हैं वही अल्टीट्यूड के हिसाब से काम कर लेते हैं। सो ये हो गया आपके राइट एंगल्स के बारे में। एंड द अनदर टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है एंड यहाँ पे आपको दिखाना है अल्टीट्यूड्स। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो ए से आप ड्रॉ करेंगे बी सी के ऊपर अल्टीट्यूड्स, तो कैसे होगा? ए से देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो परपेंडिकुलर तो अंदर नहीं बन रही है तो बाहर बन रहे हैं। सो यहाँ पे अल्टीट्यूड्स आपके बाहर मौजूद है, ठीक है, ए से यहाँ पे बाहर मौजूद है। सपोज इसको ए डी रखते हैं, ठीक। उसी तरह से सी से अल्टीट्यूड से ए बी के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो भी बाहर होगा, इस तरह से वो भी बाहर की तरफ होगा एंड एक सिर्फ अल्टीट्यूड्स आपके अंदर होगा जो कि बी से है ए सी के ऊपर। सो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स में ना टू अल्टीट्यूड्स आपके आउटसाइड रहते हैं, टू अल्टीट्यूड्स आपके आउटसाइड रहते हैं। आपको याद रखना है कि एक्यूट एंगल्स पे सभी अल्टीट्यूड्स इंटीरियर पे रहते हैं या फिर इनसाइड द ट्रायंगल्स होते हैं एंड राइट एंगल पे दो अल्टीट्यूड्स बिल्कुल ट्रायंगल के ऊपर से होते हैं एंड ऑब्ट्यूस एंगल पे दो अल्टीट्यूड्स बाहर होंगे, एक अल्टीट्यूड्स अंदर होगा। सो ये हो गया इसके रिगार्डिंग कि द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स में लाए इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द ट्रायंगल्स और ऑन द ट्रायंगल्स। सो इसके अल्टीट्यूड्स के बारे में भी अभी पूरा डिस्कशन हो चुका है एंड ये सब नोट्स आप इजीली अभी लिख सकते हैं। सो मेडियंस एंड अल्टीट्यूड्स ये दोनों नए कंसेप्ट हैं तो दोनों को और एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग। सो आज का वीडियो बस इतना में है।